अब डीवी का सफर शुरू होता है। मम्मी का आशीर्वाद ले लिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर्म और क्या होता है, एडमिट कार्ड भी ले लिया, फोटोज ले ली, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। आपके कहने पे डिग्री मंगवाई है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे लास्ट डिग्री वीडियो में, मैंने बोला था कि डिग्री नहीं है मेरे पास, प्रोविजनल है। तो काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि डिग्री ले लो भैया, तो आपके सजेशन माने, मैंने डिग्री मंगवाई। एंड थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग दिस कि डिग्री के बिना प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने भी एक दो बंदों से बात करी तो बोला कि प्रोविजनल के बजाय अगर आपकी डिग्री आ गई है तो ले लो। अब मैं जाऊंगा स्कूटी से एक फ्रेंड के घर, वहाँ पर उसका भी डीवी है 16 तारीख को, तो दोनों साथ में निकलेंगे और सफ़र है। ट्रेन से जाएंगे जयपुर स्टेशन पे, उसके बाद ट्रेन है दिल्ली के लिए, नाइट स्टे वहाँ पर ही है। मज़ा आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, लेट्स गो। नहीं ठीक लग रहा है भाई, सुबह के 8 बज रहे हैं अभी अभी। मैं तो उठ के तैयार हो गया हूँ और दोनों भाई अभी उठे, शक्ल से दिख रहा होगा। मेरा अभी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी मैं साकेत में रुका हूँ, इस बाइक में, भाई के पास रुका हूँ, SBI में काम करते हैं भाई। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आज, लेकिन इनका 2:30 बजे, मेरा 9:30 बजे रिपोर्टिंग है। और इन भाई का कल है, प्रीतम भाई है, ये अनिल भाई है, दोनों भी ये तो पहले से जॉब करते हैं, और ये भाई बेरोजगार है, लेकिन इस बार जॉब लग जाएगी इनकी। तो मैं अभी जाऊंगा मेट्रो पे, फिर CGO कॉम्प्लेक्स जाऊंगा, तो वहाँ पे आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा, इसलिए वीडियो को देखते रहना। और ये हमारे भेजी हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये हमें पहले बोल दिए थे ऐसे से बोलना अब मेरे मैसेज तो तुम सुनते रहते हो, मेरी गाइड तो आप एक बार इनसे भी एक्सपीरियंस ले लो, 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं भैया। तो बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेहनत करो फुल दवाई, मेहनत से हो जाएगा, मतलब मेहनत ही है तोड़ बस। देख लो, सबका क्रक्स वही आ जाता है, हार्ड वर्क। और अनिल जी आप क्या दोगे मैं मैसेज? ऐसा कहना चाहूंगी, भाई के वीडियोस में जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बता रही है, जैसे स्ट्रेटेजी आपको ऐसे खूब मिल जाएगी कि ये बुक्स पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट जो स्ट्रेटेजी आप खुद को रिलेट कर पा रहे हो, समझ लो कि वो स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब प्रिपरेशन कर रहे हो। सही बात है, मतलब सब कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट तो नहीं होती, बट एग्जैक्टली उससे ट्विक कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बाकी ऐसा है कि अगर 3-4 महीने आप कंटिन्यू अगर रिग्रेसली पढ़ रहे हो, 4-5 महीने भी, तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, देख लो। रदर देन की 4-5 साल से कंटिन्यू कर रहे हो, थोड़ा पढ़ रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे, तो तो वो ये भाई जल्दी सिलेक्शन लेने वालों में से ये भाई थोड़ा धीरे चलता है। जो मेजोरिटी ऑफ द गाय हम करते हैं धीरे 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 पढ़ाए। ठीक है चलो अब चलते हैं और मिलते हैं CGO कॉम्प्लेक्स। फाइनली जस्ट निकला हूँ और ये हो चुका है, इसमें स्टेटस हमारा क्लियर आया है। 3 स्टेटस देते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है, या आपका क्लियर हुआ है, या आपको रिजेक्ट किया है। तो मुझे क्लियर वाला स्टेटस दिया है। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल प्रोसेस था। 9:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग थी, इन्होंने बोर्ड बोर्ड बना रखे थे, तो मेरा बोर्ड 2 में नंबर था। उसके बाद ये आपको पहले 2 कॉपीज लेते हैं, उसमें 10 सर्टिफिकेट और आपकी डिग्री देखते हैं कि आप एलिजिबल थे उस टाइम या नहीं, और ये चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद सिंपल सा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपके थंब इम्प्रेशन जो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम जो लेते हैं, वैसे आपके फ़ोटोज़ लेते हैं, थंब इम्प्रेशन लेते हैं, और बाकी आपके ओरिजिनल्स देखते हैं एक बार, सिंपल क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और आपके 2 कॉपीज को पूरा एक साथ लेके उसको पंच करके रख लेते हैं। कोई किसी को दिक्कत आती है, जैसे OBC सर्टिफिकेट की डेट का कोई इशू आ रहा है किसी को, तो उसको प्रोविजनली एक्सेप्टेड कर रहे हैं, मतलब जैसे मेरा तो डेट से पहले था तो क्लियर आ गया उसमें, बाकी मेरे बगल में एक बंदा बैठा था उसका डेट का इशू था, तो उसको प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया है। और ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर रहे हैं, OBC सर्टिफिकेट से कोई रिजेक्शन नहीं कर रहा। मैं अभी CPO कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाहर ही हूँ, पार्किंग में बैठा हूँ, कैब का वेट कर रहा हूँ, और इतना ही है, मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस था। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं तो थोड़ा वरीड भी था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत ईजी था, बहुत चिल प्रोसेस है। वो लोग आपको मतलब जब फॉर्म भरते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म आपको जब भरते हैं, वो ऑनलाइन उसी टाइम ऑनलाइन फीड करते हैं, जब ऑनलाइन वो चढ़ा रहे होते हैं तो कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लेते हैं, आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपको फॉर्म वापस दे देते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होता है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एक साइड जो कंप्यूटर है वो खुद भर रहे होते हैं, दूसरी साइड आपकी साइड एक स्क्रीन लगी होती है, आप वो क्या भर रहे हैं आप उस स्क्रीन में देख सकते हैं। तो वही कोरोना का थोड़ा प्रिकॉशन ले रखा था उन्होंने, पॉलीथीन लगा रखी थी सामने फ्रंट में, और बाकी सब प्रोसेस चिल था। ऐसे कुछ भी नहीं है कि बहुत डॉन्टिंग टास्क हो कि आपको ऐसे
बहुत घबराने की बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत इजी प्रोसेस था। और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे तो थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कैसे कैसे होता होगा, बट बहुत चिल गया। अराउंड 40-45 मिनट्स मुझे लगे और मैं अभी बाहर आ गया। इतना इस वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली ये दिन देखने को मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फाइनली हुआ, बहुत दिन से हुआ बट हुआ। और आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको ये दिन आएगा जल्दी ही। इसके अलावा आप अगर SSC बैंक और रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर अपना कोर्स ले सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप बैचेस चल रहे हैं अभी 2021 के एग्जाम्स के लिए, रेलवे बैंक और SSC के लिए, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं टॉप बैचेस, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप अनअकैडमी पे ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड Mr2Tales यूज कर सकते हैं, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा उसमें। नहीं, इस वीडियो में ले चलते हैं वापस घर के लिए, अब वापस जयपुर जाना है, शादी अटेंड करनी है, फाइनली हो गया काम। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।